और आगे बढ़ते हैं। 20 मई को स्थल हेमकुंड साहिब के कपाट श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोल दिए जाएंगे। इसी दिन लक्ष्मण मंदिर के भी कपाट खोले जाएंगे। जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने बताया कि मार्ग से बर्फ हटाने का कार्य सेना के जवानों की तरफ से लगातार किया जा रहा है। 7 दिनों के अंदर बर्फ हटाने का काम पूरा कर लिया जाएगा। इस साल की यात्रा NGT के नियमों के तहत आयोजित की जाएगी और हेमकुंड साहिब के कपाट आपको बता दें कि खोलने के लिए पूरी तैयारी है। लगातार बर्फ को हटाने का कार्य पिछले कुछ महीनों से जारी है। सेना के जवान लगातार तत्पर हैं। हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने से पहले तमाम रास्तों से बर्फ हटाने के लिए भी और जिला प्रशासन ने यहां पर तैयारियां शुरू कर दी है। जिलाधिकारी की तरफ से कहा गया है 20 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ के लिए खोल दिए जाएंगे। देखिए, 20 मई से श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा प्रारंभ हो रही है, तो उसको लेकर जो हमारा पैदल मार्ग है उस पर आर्मी के जवानों द्वारा लगातार बर्फ हटाने का कार्य किया जा रहा है और इसी सप्ताह में रास्ता खुलने की पूरी संभावना है। साथ ही साथ जो संबंधित विभाग हैं, विद्युत पेयजल सुलभ इंटरनेशनल के द्वारा जो टॉयलेट संचालित हैं, सभी को निर्देशित किया गया है कि यात्रा से पूर्व सभी जो यात्रा संबंधित व्यवस्थाएं हैं उनको पूर्ण कर लें ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की असुविधा का सामना ना करना।